गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एक नए पौधे के बारे में जो मालाबार स्पिंच के नाम से जाना जाता है। इसे पोए साग भी कहते हैं। ये बीज और कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, तो इसे आप अपने उसमें लगाएं। और ये दो वैरायटी का होता है, और एक बार अगर आपके बालकनी गार्डन में लग जाए तो फिर जाता नहीं है। साल भर कभी भी इसके बीज लगा सकते हैं आप, और इसकी पकौड़ी बनती है, साग फ्राई, दाल में भी ये डाल करके बनाया जाता है। तो आप इसे अपने बालकनी गार्डन में ऐड करें। बहुत ही खूबसूरत पत्तियां हैं, देखिए। आज हम इसकी हार्वेस्टिंग करने वाले हैं, तो आप देखें फ्रेंड्स, ये देखें, बहुत ही। आज हम इसकी पकौड़ी बनाने वाले हैं, तो ये देखें फ्रेंड्स, इसकी बेसन के साथ भी पकौड़ियाँ बनती हैं, तथा दाल के साथ भी, मूंग की दाल या उड़द की दाल के साथ आप बना सकते हैं। और इसकी पत्तियां बहुत ही, इसकी पत्तियां मोटी होती हैं पालक से भी, और इसमें विटामिन्स प्रचुर मात्रा में होता है। और इसमें आपने जहाँ तक देखा होगा, ये जो दूसरा वाला प्लांट होता है उसकी ये जो स्टेम है वो बैंगनी कलर की होती है। आज हम बड़ी बड़ी पत्तियों की प्रूनिंग करेंगे, जो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हैं उनको हम तोड़ेंगे। और बेसन के साथ भी इसे बना सकते हैं आप। बहुत ही कुरकुरी पकौड़ियाँ होती हैं इसकी। और टमाटो सॉस या हरा धनिया आम की मिक्स करके आप चटनी बना सकते हैं इसके साथ में। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है इसकी। और मैंने सोचा आज इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपके साथ शेयर करूं। बहुत ही घना प्लांट हो गया था, काफ़ी दिन से सोच रहे थे इसकी हार्वेस्टिंग कर लूं, पर बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। आज मैंने सोचा कि आपके साथ ये अपना वीडियो शेयर करूं और आपको बताऊं कुछ इसके बारे में। वैसे तो हमारे सभी भाई बहनों को ज़रूर पता होगा इस प्लांट के बारे में, और लोग लगाते भी हैं इसे अपने बालकनी गार्डन में। अगर अभी तक जिसने भी नहीं लगाया है तो प्लीज़ इसको अपने गार्डन में ऐड करें। बहुत ही अच्छा प्लांट है ये, और पूरे गार्डन को हरा भरा करता है, बहुत ही ग्रीन लुक देता है, तो इसलिए आप इसे ज़रूर ऐड करें। देखिए, बहुत इसकी पत्तियां बहुत ही बड़ी बड़ी हो गई हैं।
बहुत ही घना प्लांट। ये देखो और देखिए फ्रेंड्स इसके ये जी ये देखिए ये इसकी ये देखिए ये इसकी फ्लावरिंग हो रही है। बट इनकी भी सब्जी आप अगर नरम है तो बना सकते हैं, ये देखें। और इसकी जो ये कोमल कोमल टहनियाँ हैं इन्हें इन्हें आप पिंचिंग करेंगे तो ये और भी घना प्लांट हो जाता है, ये देखिए। और इसको आप फेंके नहीं, पान सब्जी बना सकते हैं इसकी और बड़ी आसानी से ये गल जाती हैं, ये देखें। ये देखें हाथ से टूट रही हैं, ये देखें फ्रेंड्स, ये देखें बहुत ही। जो ज़्यादा हार्डी है उन्हें आप मत तोड़ें, उन्हें लगा रहें। ये थोड़ा सा हार्डी लग रही है मुझे, बट यहाँ से थोड़ा सा नरम है तो मैं तोड़ती हूँ इसे। और ये देखिए छुपी हुई हैं पत्तियाँ कुछ बड़ी बड़ी, उन्हें मैं ढूंढने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, आज मैंने काफ़ी तोड़ ली तो कुछ बना लूँगी, कुछ किसी अपने पड़ोस में अपनी फ्रेंड को दे दूँगी। बहुत सारी हो गई हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखें पूरी डोल पूरी टोकरी भर गई है, बहुत सारी पत्तियां हो गई हैं। ये तो इतनी ज़्यादा खा पाना मुश्किल है, अपनी फ्रेंडों को देंगे। ओके बाय बाय फ्रेंड्स। किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें क्योंकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।